जी आया नू प्यारे विद्यार्थियों, अठवीं जमात की गणित की किताब का पाठ सत्तवां, राशियां की तुलना अभ्यास नंबर 7.2 ते इस अभ्यास का आखिरी सवाल जो कि नवा सवाल है वह असं इस वीडियो में करन जा रहे हाँ। तुसी वीडियो में बड़े ध्यान दे नाल देखो, सुनो ते समझो। हल अपनी नोटबुक में उतार लो। बहुविकल्पी प्रश्न है ने, असं तुक्के नहीं लाने, असं समझना है कि सही आंसर की सही जवाब की चोण किवें करनी है। सो बाद विचों इस सवाल के सारे भागों को अपने आप करने का अभ्यास भी तुसी जरूर करना है। सो शुरू करिए। सो बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न है, पहला है, बड़े मुढ़ले जे सवाल ने, ये साडे विषय के सिद्धांत ने जिहड़े वो स्पष्ट हो जाते हैं। कहिंदे कटौती गणना किसते हुंदी है? तो बच्चों मैं सवाल करन लगे तुहानूं बार बार ये गल दोहराई है कि कटौती की गणना जिहड़ी है, कटौती का हिसाब जिहड़ा है वह अंकित मुल उत्ते छपे हुए मुल दे उत्ते प्रिंटेड मुल दे उत्ते हुंदा है। सो जवाब हैगा इहदा बी, अंकित मुल। ते बच्चों कटौती प्रतिशत बराबर हुंदी है, सानू सूत्र चेता होना चाहिए है, कटौती बटा अंकित मुल ते गुणा 100, यह हुंदा है कटौती दी प्रतिशत। सो इहदा जवाब हैगा है ए, ठीक है जी। सो है ए जवाब इहदा, कटौती बटा अंकित मुल गुणा 100। यह भी सूत्र तुहानू यह गल पता होनी चाहिए है, ते यह सूत्र भी तुहानू चेता होना चाहिए है। यह इन्होंने शब्दों में कह दिता है, गणना अंकित मुल से होंगी है, तो इतने इन्होंने सूत्र लिख भी दिता है, कटौती बटा अंकित मुल गुणा 100, ठीक है जी। अगे चलिए, हुण कोई सवाल है। देखो कहिंदे ₹15,000 अंकित मुल वाला एक मेज ₹14,400 विच उपलब्ध है, कटौती प्रतिशत है किन्नी है? देखो किदा करांगे बच्चों, यह कटौती प्रतिशत होंगी है कटौती बटा अंकित मुल, तो कटौती किदा निकलती है बच्चों, अंकित मुल घटा खरीद मुल, जिहड़ा दोनों का अंतर हुंदा है वही कटौती हुंदी है। सो गुणा 100%। सो बराबर अंकित मुल 15,000 घटा 14,400 बटा 15,000, थले अंकित मुल आएगा, तो गुणा 100%। 15,000 चो 14,400 गया जाएगा 600 आ गया, 600 बटा 15,000 है 1, 2, 3, 1, 2, 3 इथों चली गई 1, 2, 3, उत्ते रह गया 60, थले रह गया 15। सो 15 चौके 60, 4%, 4% कटौती आ गई। सो जवाब है बी, 4%, 4% या 4% साड़ी कटौती प्रतिशत है, ठीक है, इदा करना है। अगला आ गया बच्चों भाग चौथा, कहिंदे ₹900 अंकित मुल वाली एक किताब 873 विच बेची जाती है, कटौती है? लो जी किन्नी कटौती, अंकित मुल घटा खरीद मुल, इन्होंने रुपया में पूछी है कटौती, प्रतिशत नहीं पूछा। सो सीधा अंकित मुल विचों खरीद मुल घटा देना है, 900 चो 873 रुपए गए, 27 रुपए जड़ा है वो कटौती है। सो 27 कितने लिखा है, बी ते लिखा है। सो साडा जवाब आ गया बी, 27 रुपए कटौती है। अगे चलिए, हाँ जी आखिरी आ गया साडा पंजवा भाग, एक कुर्सी 4% कटौती ते बेची जाती है, जेकर कुर्सी का अंकित मुल 450 है तो एक कुर्सी का वेच मुल है। सो बच्चे देख लें, वेच मुल कितने बराबर होता है, अंकित मुल ए तुम सूत्र में दसिया होया है 100% घटा 4% जो कि कटौती है। सो 100 जो 4 गया 96, सो 450 गुणा 96%, तो प्रतिशत का मुल होता है बटा 100। सो 450 गुणा 96 बटा 100। सो बच्चों इतने इन्हू कटिया इन्ना, इन्ना कटिया तो इतने आ गया, दो ना भाग किया 48, तो दो ना भाग किया 5, तो 5 नहीं 45। सो 9 गुणा 48, सो 9 गुणा 48 नौ 8 72, 2 7 हासिल, 9 6 36 और 7 43, सो 432 रुपये। सो 432 कितने लिखा, सी दे ए सी। सो 432 रुपये जड़ा है वो कुर्सी का वेच मुल है। सो बच्चे इस तरह जोड़े सवाल ने पहले असं किए भी नहीं, इदा के सवाल सारे इतने बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में सन, कोई नवी गल नहीं सी। पर बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न लगे करन लगे रफ दे विच एक पासे दा लाइन खिंच के तुसी है करके देखना है, इतने तुक्का नहीं लगाना भी कितने दे ए लगाता, कितने दे बी लगाता, कितने दे डी लगाता, इदा नहीं कम है, वो कम बिल्कुल नहीं करने। सो प्यारे विद्यार्थियों, तुसी इसी तरह नेम दे नाल, उत्साह नाल, अनुशासन नाल अपनी पढ़ाई करी चलो, ते इस वीडियो दे नाल, इस सवाल दे नाल तुहाडा अभ्यास नंबर 7.2 इत्थे ही समाप्त हुंदा है, ते बड़ी ही छेती तुहाडे लई असीं अभ्यास नंबर 7.3 भी शुरू करांगे। सो तद तक लई रब राखा, तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद।